पार्ट 13 में हम देख चुके हैं क्रिस मिस्टर लू को उसकी वाइफ की धमकी देता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 14 से पहले पार्ट 13 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 14 में हम देखते हैं वो कहता है पर अगर मेरे साथ खेलोगे तो तुम्हारी वाइफ तुम्हारी हुई। मिस्टर लू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तेरी धमकी से डर जाऊंगा। क्रिस जाने लगा था बट नेक्स्ट सीन में फ्रेंड और उसके डैडी के सामने क्रिस अपना फुटबॉल लेके खड़ा था और उसके पीछे मिस्टर लू। क्रिस कहता है डैडी फुटबॉल पे ऐसी किक मारो कि गोल हो जाए। मिस्टर लू किक से पहले पैर की एक्सरसाइज कर रहा था बट किक मारते टाइम पैर मुड़ के धड़ाम से नीचे गिर जाता है। क्रिस वाज लाइक करा दिया पोपट। फ्रेंड और उसका डैड जोर से हंस रहे थे और उसे लूजर बोल रहे थे। बेचारे क्रिस की तो इतनी भारी इंसल्ट हुई थी। तो दोनों मुंह लड़का के घर जा रहे थे। मिस्टर लू कहता है फुटबॉल खेलना आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विनर हैं। क्रिस कहता है क्या तुम्हें गाना गाना आता है। वो मना करता है। वो पूछता है क्या तुम्हें डांस आता है। वो मना करता है। क्रिस कहता है ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हें कुछ भी नहीं आता। अंकल गुयन तुमसे कितने बेटर हैं, हैंडसम हैं, रिच हैं और उन्होंने मुझे जॉब भी दिलाई थी। जब वो बोलते हैं तो सब उनके सुनते हैं पर तुम्हारा क्या, मुझे पैसे कमा के तुम्हें सपोर्ट करना पड़ता है। तुम भी थोड़ा बहुत कुछ कर लिया करो। मिस्टर लू कहता है गुये ने तुम्हें जॉब दिलाई। वो कहता है प्लीज अपनी वाइफ को ये मत बताना और भाग जाता है। बट मिस्टर लू ने तो सूबे को बता दिया था इसलिए क्रिस यतिंग और सूबे से सॉरी बोलता है। मिस्टर लू कहता है सॉरी से बात नहीं बनेगी, इसे सबक भी तो सिखाना पड़ेगा। क्रिस कहता है तुम कितने धोखेबाज हो, अंकल गुयन तो तुम्हारे जैसे बिल्कुल नहीं है। सूबे कहती है इसमें तुम्हारी गलती है क्रिस, तो तुम उस पे दोष कैसे लगा सकते हो। क्या होता अगर तुम्हें रास्ते में गुंडे मिल जाते। मिस्टर लू कहता है तुम ये काम यतिंग पे छोड़ दो, चलो हम घर चलते हैं। कल ग्रैंडमा का बर्थडे भी तो है तो उसकी तैयारी भी करनी है। बट सूबे रोते हुए क्रिस को हक करके कहती है तुम जाओ पहले, जैसे ये छुपेगा मैं आ जाऊंगी। मिस्टर लू कहता है नहीं तुम मेरे साथ चलोगी। यतिंग कहती है मिस्टर लू क्या तुम एक बच्चे से जेलस हो रहे हो। डोंट वरी मैं बाद में सूबे को घर छोड़ दूंगी। तो मिस्टर लू चला जाता है। क्रिस के सोने के बाद यतिंग कहती है भले क्रिस मिस्टर लू से लड़ता रहता है बट वो मिस्टर लू को बहुत लाइक करता है। बट मिस्टर लू मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो भी क्रिस को लाइक करता है। सूबे कहती है मुझे पता है चाहे मैं क्रिस को मिस्टर लू से बहुत ज्यादा लव करूं बट फिर भी उसके लिए लव अधूरा है, इसमें मेरी गलती है। बट बाहर आके देखती है मिस्टर लू अभी भी उसका वेट कर रहा है। वो कहता है मैंने क्रिस के बारे में कुछ ज्यादा ही कह दिया था पर तुम्हें उसे इतना डांटा नहीं चाहिए था। वैसे तो यतिंग उसकी आंटी है पर दिखने में लगता है जैसे तुम और क्रिस ज्यादा क्लोज हो। तो क्या तुम, वो कहती है क्योंकि उसके क्लोज मैं अच्छा फील करती हूँ। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो वो भी क्रिस जितना ही होता, इसलिए मैं क्रिस को अपने बेटा समझ लेती हूँ। तो क्या तुम आगे से उसके साथ अच्छा बिहेव करोगे, उसे वैसे लव करोगे। मिस्टर लू हाँ कर देता है। नेक्स्ट डे सुबह रेडी होके आती है। मिस्टर लू तो उसे देखते रह जाता है। वो कहती है जरा मेरी जिप लगा दो। वो पहले तो उसे गौर से देखता है और फिर उसकी जिप लगा देता है पर कहता है तुम ऐसे आधे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो। वो कहती है तुमने तो कहा ग्रैंडमा का बर्थडे है। वो कहता है ये तुम्हें फिट नहीं आ रहे तो चलो ड्रेस चेंज करके आओ और उसे पकड़ के अलमीरा के पास ले आता है। सुबह उसे एक ड्रेस दिखाती है तो कहता है इतना कम कपड़ा, तुम्हें लगता है मैं ज्यादा कपड़े वाली ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकता। वो बाकी ड्रेस दिखाती है बट मिस्टर लू उसे भी मना कर देता है क्योंकि वो भी छोटी थी। तो कहता है ये हुडी पहनूं। वो कहती है तुम चाहते हो मैं बर्थडे पे ट्रैक सूट पहनूं। मिस्टर लू हाँ करता है। वो कहती है तो तुम भी क्यों नहीं पहन लेते। इधर ग्रैंडमा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी तभी मिस्टर लू और सुबह ही ट्रैक सूट पहन के आते हैं। सुबह ग्रैंडमा के बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट देती है बट ग्रैंडमा मना कर देती है। मिस्टर लू कहता है ग्रैंडमा मैंने पैसे दिए थे इसके, तो ग्रैंडमा ले लेती है। पार्टी के बाद ग्रैंडमा कहती है पता नहीं मिस्टर लू का बेबी कब आएगा, कहीं मैं पहले ही न मर जाऊं। लू फिर कहती है ऐसा मत कहो आप नहीं मरोगी, क्या पता उनका जल्दी दूसरा बेबी आ जाए। ग्रैंडमा कहती है दूसरा बेबी क्या मतलब तेरा, क्या सुबह पहले प्रेग्नेंट थी। लू फिर कहती है मैंने न्यूज में देखा था सुबह ने बेबी का अबॉर्शन करा दिया। वो कहती है इस सुबह ने मेरे ग्रेट ग्रैंडसन को मार दिया, और चिल्ला पड़ती है
मिस्टर लो पूछता है, क्या हुआ ग्रैंडमा? ग्रैंडमा कहती है, इसने हमारे खानदान के चिराग को मिटा दिया। वो कहता है, सूबे के ऐसा करने के पीछे एक वजह है। ग्रैंडमा कहती है, तुझे पता था? तब भी तू उसके साथ रह रहा है? अभी की अभी डाइवोर्स दे इसे, मैं इसका फेस भी नहीं देखना चाहती। और सूबे को धक्का मारने लगी थी। मिस्टर लू कहता है, ग्रैंडमा सूबे को डराओ मत, वो प्रेग्नेंट है, मेरा बेबी आने वाला है। तो आप अपने ग्रेट ग्रैंडसन पे गुस्सा कैसे कर सकती हो? फिर क्या, ग्रैंडमा सूबे को प्यार से बिठाकर कहती हैं, अब से तू सूबे का ध्यान रखेगा, सूबे बताओ क्या खाओगी, मैं मंगा देती हूँ। वो मिस्टर लू को देखती है, बट मिस्टर लू उसे इशारा करके चुप रहने को कहता है, जबकि लू फिर गुस्से में थी। सूबे फोन पे यतिंग से फ्रेग्रेंस ब्रोकेट चुराने वाले का पता करने को बोल रही थी, बट लू फिर सब सुन लेती है और अपने रूम में जाती है, क्योंकि उसने फ्रेग्रेंस ब्रोकेट अपनी अलमीरा में छुपा रखा था। इनफेक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब वो मिस्टर लू के घर ब्रेकफास्ट देने आई, मिस्टर लू अपने रूम में था तो उसने उसका फोन पे रस देख लिया था जहाँ पे फ्रेग्रेंस ब्रोकेट था, तो वो डिलीट कर देती है। सुबह मिस्टर लू से कहती है, तुमने ग्रैंडमा से प्रेगनेंसी का झूठ क्यों बोला? वो कहता है, ताकि ग्रैंडमा तुम्हें घर से बाहर ना निकाले। वो कहती है, पर हम आगे क्या करेंगे, यहाँ कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है। वो कहता है, ट्रस्ट मी, मैं एक अच्छा डैड बनूंगा। तुम क्रिस को इतना लाइक करती हो, बट है तो वो किसी और का बच्चा, और उसकी मॉम के आने के बाद वो तुम्हें भूल जाएगा। वैसे भी वो बच्चा सिर्फ बकबक करता रहता है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, तो क्यों ना हम खुद का बेबी करें। सूबे को बहुत गुस्सा आ रहा था और सोचती है, क्या तुम अपने बेटे को नफरत करते हो? मिस्टर लू ड्रिंक लेके आता है ताकि वो दोनों टली होके बेबी बना सके, बट वो कहती है, कौन तुम्हारे साथ बेबी बनाना चाहता है, गेट आउट, और उसे बाहर भगा देती है क्योंकि वो गुस्सा थी। और फिर रात में ही मिस्टर लू गुस्से से बॉक्सिंग कर रहा था तो असिस्टेंट कहता है, बॉस क्या हुआ तुम्हें, रात में मुझे फाइट करने क्यों बुलाया? मिस्टर लू कहता है, मैं सिंगल होके कर ही कह सकता हूँ फाइटिंग के अलावा। असिस्टेंट इधर आ, और फिर असिस्टेंट को बॉक्सिंग रिंग में ले आता है। वो कहता है, क्या हुआ तुम्हें, डैड बनने वाले हो तो हॉर्मोन्स जाग रहे हैं। मिस्टर लू कहता है, सूबे प्रेग्नेंट नहीं है। वो कहता है, क्या कहीं तुम्हारे में कोई कमी तो नहीं है? मिस्टर लू गुस्से से उसे पंच करने लगता है। असिस्टेंट वाज लाइक, अब जान लोगे क्या मेरी, हुआ क्या है तुम्हें? मिस्टर लू कहता है, सब गर्ल्स मेरे लिए पागल है, तो सुबह हर बार मुझे रिजेक्ट क्यों कर देती है? असिस्टेंट कहता है, तो तू उस पे इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? वो कहता है, क्योंकि हर बार वही बेबी की बात करती रहती है कि मेरा भी क्रिस जैसा बेबी होता। असिस्टेंट कहता है, कहीं वो इस बात से गुस्सा तो नहीं कि तू उसके अडॉप्टेड बेटे क्रिस से नफरत करता है? मिस्टर उसे मारने वाला था तो कहता है, रुको रुको बॉस, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम इतने सालों बाद मिले हो और तुम उसे बिना लव कन्फेस किए एकदम से उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो। वो कहता है, मैं क्या कन्फेस करूं, सब कुछ तो दे दिया अपना उसे। असिस्टेंट कहता है, उसे फ्लावर्स दो, थोड़ा रोमांस करो, डेट शेट पे जाओ, वरना वो कूई है। मिस्टर लू गुस्से में तो कहता है, मेरा मतलब ऐसा तो कोई भी बन सकता है ना, तो तुम्हें सूबे को पहले पटाना होगा। मिस्टर लू कहता है, मैं समझ गया, ऐसा करना अब मेरे घर से सीसीटीवी हटा देना। और फिर सूबे को डाइवोर्स पेपर देता है जिसके अकॉर्डिंग डाइवोर्स के बाद मिस्टर लू की 99% प्रॉपर्टी सूबे की होगी, और साइन करके कहता है, तुम्हें यही चाहिए ना, अगर मैं कोई गलती करूंगा तो तुम कभी भी साइन कर सकती हो, तो क्या मेरा लव कन्फेशन तुम्हें पसंद आया? सूबे हैरान थी, फिर वो कंफ्यूज थी, क्योंकि वो तो जानबूझ के मिस्टर लू के क्लोज आई थी और उसने क्रिस के बारे में भी उसे झूठ बोला, पर अगर आंटी के मामले में मिस्टर लू शामिल ना हुआ तो मिस्टर लू का दिल टूट जाएगा, की वजह से मिस्टर लू का दिल टूटेगा, बट अगर वो आंटी के मामले में शामिल हुआ तो सूबे का दिल टूटेगा, इसलिए वो मिस्टर लू से रूड बिहेव करने का फैसला करती है, ना उसे लव होगा और ना किसी का दिल टूटेगा। मिस्टर लू से लंच के लिए पूछता है, बट वो कहती है, सॉरी मैं गुयन के साथ लंच पे जा रही हूँ, तो मिस्टर लू जेलस होकर चला जाता है। गुयन कहता है, तुमने मिस्टर लू को क्रिस के बारे में नहीं बताया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा उससे सीक्रेट रखूंगा, पर एक बच्चे को अकेले पालने में तुम थक जाती होंगी। वो कहती है, क्रिस के साथ मैं कभी थका फील नहीं करती। वो कहता है, हाँ क्रिस कितना लकी है कि तुम उसकी मॉम हो, वरना हर बच्चा लकी नहीं होता। अगर मेरी मॉम भी तुम्हारे जैसी होती तो मुझे ऑर्फनेज में नहीं छोड़ के जाती, और ना ही मैं कभी बुली होता। इधर मिस्टर लू को चैन नहीं आ रहा था, पर असिस्टेंट को आता देख चुपचाप बैठ जाता है। असिस्टेंट आकर कहता है, ये जेलेसी की स्मेल कहाँ से आ रही है? अभी मैंने देखा था
सुबई और गुयन हंस-हंस के बातें कर रहे थे। मिस्टर लू से घूर रहा था तो कहता है, क्यों इस पर कन्फेशन में फिर से फेल हो गए? मिस्टर लू कहता है, इस बार तो मैंने उसे डिवोर्स के बाद अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने को कह दिया, पर वो तब भी नहीं मानी। असिस्टेंट वाज लाइक, व्हाट? वाओ बॉस, तुम तो सच में पगलैट हो। अगर मैं सुबई होता तो जेंटल गुयन को चूज करता, ना कि तुझ जैसे खड़ूस बुढ़े को जिसे लड़की पटाना भी नहीं आता। मिस्टर लू कहता है, अब मैं क्या करूं? वो कहता है, बैठे बैठे क्या कर रहा है, जाकर सुबह पे अपना हक जमा। मिस्टर लू कहता है, ऐसा करना, मेरी तरफ से क्रिस को ट्वाइस पाय करके दे देना। सुबह गुयन के साथ आ रही थी तो मिस्टर लू जाकर सुबह को कस के पकड़ के कहता है, तुमने तो कहा था आज रात हम साथ में डिनर करेंगे काम करते हुए, तुम अपने हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड को भूल जाती हो क्या? तभी लू फिर सूप लेके आती है। मिस्टर लू लेने से मना करता है तो कहती है, ग्रैंडमा ने बनाया है, सुबह प्रेग्नेंट है ना? वो हैरान और पूछता है, तुम प्रेग्नेंट हो? मिस्टर लू कहता है, हाँ, पर तुझे इससे क्या, ये मेरी वाइफ है तो दूर रहना, समझा? और सुबह को पकड़ के ले जाता है और सोफे पे गिरा के कहता है, तुम्हारा उस गुयन के साथ का रिश्ता है? वो कहती है, पार्टनरशिप। वो कहता है, पर उस जैसे मैनेजर के साथ कौन सी पार्टनरशिप? वो कहती है, क्या तुम फिर से जेलस हो? मिस्टर लू कहता है, तुमने उसके लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं जेलस नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा? ऊपर से उसके साथ हंस भी रही थी, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हंसी, और उसे किस करने लगा था। वो उसे दूर कर कहती है, तुम डॉगी हो क्या? वो कहता है, तो बदले में तुम भी मेरी काट लो। वो उसके हाथ पे काट लेती है। मिस्टर लू कहता है, हाथ पे नहीं, यहाँ पे, और उसे किस करने लगता है। सुबह के कहने पे मिस्टर लू गु कंपनी से पार्टनरशिप करने आता है। वो एक तो लेट आते हैं इसलिए मिस्टर लू गुस्से में था, पर सुबह जैसे तैसे उसे शांत कर लेती है। बट ऊपर से गुयन सुबह से चेयर का ड्रिंक करता है और वो भी ड्रिंक कर रही थी, इसलिए मिस्टर लू जेलस था तो उसके नीचे से पैर मारता है। मिस्टर लू चैंगसे से पार्टनरशिप करने आया था, बट चैंगसे तो उससे उसका डिजाइन मॉडल खरीदने को कहने लगा था, जिससे उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। मिस्टर लू तो चैंगसे का हाथ ही मोड़ देता है, बट उनके झगड़े में सुबह का पैर मुड़ जाता है। गुयन उसकी केयर करने लगा था, बट मिस्टर लू से हटाकर खुद सुबह को उठा के ले जाता है। इधर क्रिस बैठा घर पे वेट कर रहा था, और इसी के साथ पार्ट 14 का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।